प्रेम कुछ सोच यार, कुछ सोच, नहीं तो तू और मैं गए। आइडिया बता। मैं गेटअप चेंज करके विद्या बन जाता हूँ। लेकिन मैंने भैया को सीरियसली कहा है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की है। तो तू गेटअप चेंज करके विद्या बन जा। बी सीरियस यार प्रेम। प्रेम कुछ सोच यार, कुछ सोच, दौड़ा अपने दिमाग को। आ गया आ गया। आइडिया? नहीं यार, एयरपोर्ट आ गया। राइट राइट राइट। प्रेम एक और आइडिया। हम लोग बोलते हैं कि विद्या किडनैप हो गई है और रैंसम में उन लोगों ने 1,00,000 रुपए मांगा है। अगर तेरे भाई ने दे दिया तो टोबू का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा यार। किडनैप, रैंसम, ये सब सुनकर भैया फ्लाइट ही छोड़ देंगे और हम दोनों और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इतने थर्ड क्लास आइडियाज दे रहा है, कुछ और नहीं सोच सकता है? सोच नहीं सकता हूँ, देख सकता हूँ। हाँ वो देख। ऑल द बेस्ट। भैया हाउ आर यू? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? भैया ये मेरा ड्राइवर है। नहीं एक्चुअली मेरा दोस्त। ड्राइवर को दोस्त बना दिया? आई एम सो प्राउड ऑफ यू वीर। ये बता कि विद्या कहाँ है? भैया विद्या यहाँ आज यही कहेगा ना, शी इज मिसिंग, शी इज बीन किडनैप्ड। और कोई कहानी बना। मैं जानता हूँ विद्या घर पे है और मुझसे नाराज है। नहीं भैया नाराज है आपसे? नहीं वीर। हाँ नाराज है मुझसे और होना भी चाहिए। शी इज गॉट ऑल द रीजंस फॉर इट। ना मैं उससे मिला हूँ और बिजनेस के सिलसिले में मैंने तुम दोनों की शादी भी मिस कर दी। नहीं भैया ऐसी कोई मिस किया आपकी प्रेजेंस को। खैर ये फालतू बातें छोड़ते हैं और वहां जाके कॉफी पीते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। या कम लेट्स गो। फ्रॉम सिंगापुर टू लुसोटो अनदर एयरक्राफ्ट हैज बीन अरेंज्ड बट द फ्लाइट हैज टू कम फ्रॉम मुंबई सो इट विल टेक 4 आवर्स फ्रॉम नाउ टू टेक ऑफ। वी आर सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू। टिंग टोंग। 4 घंटे डिले। 4 घंटे डिले। यस यस 4 घंटे डिले। दैट्स ग्रेट न्यूज। कॉफी पीते हैं भैया कम। नो हम घर जाके विद्या के साथ कॉफी पिएंगे। हाउ इज दैट? गाड़ी निकालो, मैं सामान लेके आता हूँ। Come on boys, 4 hours delay. What luck? सामान लेने गए हैं। तेरी अर्थी का सामान। ये गाड़ी अपने आप आएगी? हाँ? है? मैं लाता हूँ भैया। प्रेम जरा एक मिनट। एक्सक्यूज मी। अगर भैया घर गए मैं हॉस्पिटल गया। तो गाड़ी लेकर आ, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन मैं उन्हें क्या बोलूं? अबे जान दे। कुची 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 कितनी प्यारी है। दैट्स द रीजन आई मिस इंडिया। जी चाहता है इसे गोद में उठाकर किस कर लूं। गाड़ी इतने टाइम क्या देख रहा है? रोलेक्स है, रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल, 24 कैरेट गोल्ड डायमंड स्टडेड, 2.5 लाख की है। वॉचेस डोंट एक्साइट मी। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ हॉट सुपर मॉडल। व्हाट अ पीस। लगता है मार्केट में नहीं आई है, पहले कभी दिखी कैसे नहीं। बंपर्स छोटे हैं लेकिन हेडलाइट अच्छे। आई विश आई कुड राइड हर यार। नाम क्या है तेरा? प्रेम, प्रेम चोपड़ा। फैंटास्टिक, बहुत सूट करता है। अच्छा एक बात बता, ये घर पे किस लीचड़ ने फोन उठाया? पता नहीं। अरे वीर। हाँ भैया। घर पे किस लीचड़ ने फोन उठाया था? प्रेम ने। एक मिनट एक मिनट, ये रॉयल गिफ्ट है लुसोटो के राजा के लिए, बाकी सामान रखो। We finished. तू टेंशन मत ले। तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी वाइफ का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कैसे? अरे मुझ पे छोड़ा, तू जा। ऑल द बेस्ट। अरे वो चोपड़ू नहीं आ रहे क्या? उसे कुछ काम है। आई थी ही। हेलो।
हेलो मैरी। कौन है? प्रेम। प्रेम सर नहीं, वीर सर के साथ बाहर गए। अरे मैं प्रेम बोल रहा हूँ यार। सर आप तो एयरपोर्ट गए थे। तो जो एयरपोर्ट जाता है फोन नहीं करता क्या? सॉरी सर। अच्छा सुनो, जल्दी से साड़ी पहन लो। वीर की बीवी दरवाजा अपने आप खुलेगा ना। सॉरी भैया। वीर सर व्हाट हैपेंड? तेरी मेड है ना? हाँ भैया, आपकी आंखें धोखा थोड़ी खा सकती हैं। सही कहा तूने, विद्या को सामने देखते ही मैं उसे पहचान लूंगा। विद्या। विद्या नहीं, विद्या भैया एक्चुअली ये रिलैक्स, तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी वाइफ का इंतजाम हो जाएगा। एक्चुअली मैं एक्चुअली तुम नाराज हो मुझ पर, और होना भी चाहिए क्योंकि फैमिली से ज्यादा मैंने बिजनेस को प्रायोरिटीज दी है, और इसके लिए आई एम सॉरी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैं विद्या। चौटाला सही कहता है, फैमिली में फैमिली कपूर फैमिली। Actually, I've become a family man. Veer, well done. Thank you, भैया। हाथ से तुम्हारी पॉकेट मनी 2 लाख, just double. Double? 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 क्या हुआ? बहुत बड़ा दिल है तेरा, तूने एक बार भी नहीं सोचा। अरे सोच के तो किया। Anything for a friend. पर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। Not bad, बिना साड़ी के इंप्रेस। भाई साहब और बताइए, बंगला कैसा लगा? अरे वो छोड़िए, विद्या कैसी लगी? बंगला मेरा है और विद्या कैसी लगी ये मैं तुझे क्यों बताऊं? विद्या एक ब्लैक टी लाना प्लीज। अरे विद्या खड़ी क्यों, ब्लैक टी लेके आओ ना। अरे मैं विद्या से बोल रहा हूँ। मैं भी तो विद्या से बोल रहा हूँ। अरे विद्या विद्या। हाँ विद्या विद्या। वीर एक चीज बता, ये कहानियां है क्या? कहाँ देख रहा है, क्या सुन रहा है? ये है मेरी विद्या। मुझे तो ये साला पागल लगता है। भरत जी बीमारी है, एक बार हाइपर हो जाता है तो गाड़ी की वाइपर की तरह लेफ्ट राइट हिलने लगता है। भैया आई विल हैंडल हिम, हीज काम डाउन, हीज काम डाउन। आई गॉट हिम, प्रेम अब जैसे है चलने देना। भैया ने जानवी को विद्या समझकर मेरी पॉकेट मनी डबल कर दी है। अब प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्वड। भाड़ में गई तेरी डबल पॉकेट मनी। तेरे भाई का ठरकपन देखा था मैंने एयरपोर्ट पे, साला डबल पॉकेट मनी के चक्कर में डबल बेड लगा देगा। आई कैन रिच माय वाइफ। जानवी हाउ कुड यू, तुमने मुझे हाइपर वाइपर बनाया। क्या करती, वो आते ही मुझे विद्या समझ बैठे। तो इस गलत फैमिली की गलत फैमिली दूर करनी चाहिए थी ना। मैं करने ही वाली थी कि उन्होंने वीर की पॉकेट मनी डबल कर दी, और वो वीर है तुम्हारा दोस्त और वो उसका भाई धर्म। देखो ये धर्म वीर के चक्कर में मत आओ, ये धर्म सही आदमी नहीं है। अच्छा जब तुम वीर की पॉकेट मनी अपने फालतू एक्सपेरिमेंट्स में खर्च करते हो तब तो वीर तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है। हाँ वो तो ठीक है उसकी वजह से, लेकिन देखो प्रेम
वीर ने हमेशा हमारी हेल्प की है. नाउ इट्स आवर टर्न. बस 4 घंटों की तो बात है. नाउ टेक दिस टी. नहीं. और उनके साथ प्यार से पेश आना. ओके. रिमेंबर वी आर डूइंग दिस फॉर वीर. अब जाओ यहां से. जाओ. गो. सर सारे आप फोन किए थे, मैं ठीक से सुनी नहीं. क्या बोली थी आप? मैं कह रहा था वो बाहर चाकू पड़ा है ना. हाँ. उसे अपना गला काट दो. प्रेम जाओ. वही मेरे गिर जाएंगे. वीर एक बात बता. जी. ये चोपड़ू तेरे साथ क्यों रहता है? भैया बताया था ना, पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है. डॉक्टर ने कहा है हवा पानी बदलने के लिए, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहां शिफ्ट हो गया है. मेरी बात सुन. ऐसे ढीले स्क्रू वाले को घर में रखना खतरे से खाली नहीं. ब्लैटी. वीर, ये किसकी फोटो है? ये किसी लड़की की. लड़की की मुझे भी पता है, लेकिन ये है कौन? है कौन मतलब? मतलब मैं धर्म हूं, तू वीर है. ये कौन है? मैं अरे बोलना, गर्लफ्रेंड है. मेरी. इसकी. मेरी. तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो इस घर में कैसे? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल नहीं सकते? संभाल के रखा था भाई साहब, लेकिन आपने आके सब कुछ हिला दिया. हिला दिया. हैरानी की बात यह है कि तू जैसी की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती है. हो सकती है. गलत फहमी किसी को भी हो सकती है. देखिए भाई साहब, आप मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे हैं. इंसल्ट कर रहा हूं? अरे इंसल्ट तो बिचारी का तब हो गया था जब ये तेरी गर्लफ्रेंड बनी थी. भैया छोड़िए ना. छोड़िए. हाँ छोड़िए. हाँ. इसकी गर्लफ्रेंड की फोटो इस घर में हो सकती है, और विद्या की फोटो नहीं हो सकती. होगी ना, ना यहाँ के. अरे है ना, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए. वीर, इसके वॉलेट में विद्या की फोटो कैसे है? प्रेम, तेरे वॉलेट में विद्या की तस्वीर कैसे आई? वीर, मेरे वॉलेट में विद्या की तस्वीर कैसे? धर्म जी, ये वॉलेट वीर का है. सुबह प्रेम को ब्रेड लाने के लिए भेजा था, वो वॉलेट ले गया. इधर है. क्या? हाँ. तेरे पास ब्रेड लाने के भी पैसे नहीं है? धिक्कार है तुझ पर. धर्म साहब, आएगा आएगा, मेरा टाइम भी आएगा. ये देख रहा है, ये रोलेक्स है. रोलेक्स ओरिजिनल. ऐसा टाइम तेरा आ ही नहीं सकता. लेकिन एक बात पता, विद्या की फोटो तेरे धर्म जी. गीजर ऑन है, आप नहा लीजिए. अरे नहाइए ना भाई साहब. हाँ नहा लीजिए ना. आइए आइए. ना लेता हूँ, ना लेता हूँ. वीर. वीर. होली कैसी लगी? होली? ये तो बंगला है साहब, बंगला. मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, जरा जल्दी करो ना, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा. कांग्रेचुलेशन ढूंढो, चाइल्ड इज द फादर ऑफ वुमन. ओके, सामान उतारू क्या? अभी रुक जा, पहले ये तो लगा लू. RGV, रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकवले. वाकवले. ए, क्या कर रहा है तू? अबे घर मेरा है, मैं चाहे जो करूं. हूं इज यू बे. मैं तुम्हें कलकत्ते का राज भोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा. अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? पुलिस की मार? पुलिस की मार. क्या हुआ भाई साहब? अरे एक इडियट अपना नेम प्लेट लगा रहा था. कहाँ गया भाई साहब वो? ऊपर. अपने उसे मार डाला.
अरे ऊपर का मतलब वहाँ ऊपर ऊपर। प्रेम भाई तुम जानते हो उसे? नहीं, फॉर्मल हाय हेलो है। हाय हेलो। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? दिस मैन हिट मी स्लाइटली। तेरी तो दिस। धर्म साहब चुप। आप अमीर है इसका मतलब गरीबों पे जुल्म करेंगे? दिस इज नॉट। अरे जुल्म क्या करेंगे? ए क्या नीचे उतर। तेरी तो मैं आपको सब समझा देता हूँ। अब मेरे साथ आइए। कौन है भैया? ये रघु एक्चुअली पागल है। क्या? हाँ रघु, धर्म भाई साहब पागल है, इसलिए आजकल हम चाय में भी एक्स्ट्रा शुगर डाल के पीते हैं। क्यों? कड़वा सच डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक टाइम रघु इसी इलाके में 6 बंगले का मालिक था। क्रिकेट की बैटिंग की ऐसी लत लगी कि क्या बताऊं। अरे बता ना। तो सुन। क्या? वो क्रिकेट मैच हुआ था ना युवराज वाला। हाँ, 6 बॉल 6 छक्के वाला। भाई साहब ने शर्त लगाई थी कि एक भी छक्का नहीं लगेगा। अच्छा, फिर? फिर क्या, फिरा फिरा के वहाँ हर बॉल बाउंड्री के बाहर, और यहाँ रघु का हर एक बंगला जुए का शिकार। और उसके बाद वहाँ ओवर खत्म हुआ और यहाँ इनका पागलपन शुरू। अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला। समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बताइए इतना मतलब माइंडफुल आदमी हेयर देयर एवरीवेयर। भाई साहब कोई खतरा तो नहीं ना? बहुत खतरा है भैया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है अगर अगर ये इस बंगले के आसपास रहा तो इसका पागलपन कम हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साले को पागलखाने में भर्ती होना चाहिए। इसीलिए तो भाई साहब को लोशोटो शिफ्ट कर रहे हैं। 4 घंटे में उनकी फ्लाइट है। लेकिन भाई साहब मैं तो शेखर विद द मूवर पूरा सामान टेम्पो में लेके आ गया हूं ना। तो हो जा शिफ्ट। रेंटल विद द मेंटल। चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक माय डेंटल। 4 घंटे बाद आराम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ओके क्लियर एवरीथिंग। ए आएगा। चल चल। लेटर वी डू कैच अप। ठीक है ढूंढू। देख भगवान भी क्या गेम खेलता है, इतने लंबे छोड़े आदमी को पागल कर दिया। Where's the packing? Where's the packing? Mary! चीड़े थे क्यों है? क्या शू? शू क्या? Where's the packing? धीरे बात करो। धीरे। अरे टेम्पो लेके आए हम लोग। ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। ये टेम्पो लेके क्यों आए? हाँ टेम्पो, आपका लगेज एयरपोर्ट पहुंचाना है ना, इसलिए। दो लगेज के लिए एक टेम्पो? यार तो आपको 2 टेम्पो चाहिए थे भाई साहब। एक्चुअली आपके सामान के साथ साथ ये टीवी स्टीरियो सोफा भी जाएगा ना। वीर आपको खाली हाथ थोड़ी जाने देगा। ये गिफ्ट का आइडिया किसका था वीर? प्रेम का। I knew it. वीर जी। भाई साहब अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो विद्या दे दो, मैं विद्या को ले जाऊंगा अपने साथ। क्यों विद्या चलोगी मेरे साथ? तेरी तो। What? What is it? बाप का भाई समझता है, हाथ लगाता है। What? हटिए भाई साहब, 1 मिनट हटिए। बीच से जा। चल बीच से जा। साले पिन बुलाए मेहमान, बीच में से जा। चल निकल निकल, get out, निकल। Bloody fools. What? What is this? Go. What is this? Go. Go. अरे जाना। प्रेम। प्रेम। प्रेम चल। प्रेम चल। प्रेम। क्या हुआ ये इडियट को? Another panic attack. मैं जरा देख के आती हूँ, आप रुकिए। हाँ एक के बाद एक, किसी मॉल में भी इतने लोग नहीं आते जितने तुम्हारे बंगले में। धरन जी को कहीं बाहर लेके जाते हैं शॉपिंग, और सामान भी साथ ले लेते हैं, डायरेक्टली एयरपोर्ट छोड़ देंगे। लेकिन बाहर ले जाने के लिए उनको मनाएगा कौन? अरे मैं बात नहीं यार, तुम छोड़ो ये काम, मैं करूंगी।